हेलो दोस्तों, भिंडी की ये रेसिपी मेरी सबसे फेवरेट रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लहसुन की एक गड्ढी लेकर उसे छील लेना है। इसमें लहसुन ज़्यादा लगती है, इसलिए ज़्यादा लहसुन छील लेनी है और फिर इसे बारीक बारीक कट कर लेना है। लहसुन को बारीक बारीक कट करके साइड में रख दीजिए और फिर भिंडी कट कर लेते हैं। भिंडी को ना एक एक कट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं चार चार भिंडी एक ही साथ कट कर लूंगी। ध्यान रखिए भिंडी में कीड़े होते हैं तो देख के कट। आप एक पैन में थोड़ी सी हरी मिर्ची को भून के निकाल लें और इसे कूट के साइड में रख दीजिए। फिर उसी पैन में मस्टर्ड ऑयल डाल के उसमें लहसुन ऐड करना है। लहसुन को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुरंत ही ऊपर से भिंडी ऐड कर दीजिए क्योंकि लहसुन भी भिंडी के साथ पकने वाली है। हल्के हल्के हाथों से भिंडी को मिलाते हुए चलाते रहना है ताकि भिंडी जले नहीं, और हाई फ्लेम पे भिंडी को चलाते रहना है। फिर उसमें हम नमक ऐड कर देंगे और फिर से भिंडी को मिक्स करके फिर से भून लेंगे। तब तक इसे भून लेना है जब तक भिंडी पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। भिंडी में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। भिंडी में नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैं भिंडी को थोड़ा सा नमकीन बना रही हूँ ताकि भिंडी में अच्छा स्वाद आए, इसलिए मैंने नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। अब ये लास्ट प्रोसेस है, भिंडी अच्छे से पक चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूंगी जो हमने भून के बारीक करके रखा था। मिर्च हमेशा लास्ट में ऐड करनी होती है क्योंकि अगर पहले मिर्ची डालेंगे तो वो जलने लग जाएगी। भिंडी को बिल्कुल भी ढक के पकाना नहीं है, इससे भिंडी में पानी छूटने लगेगा और भिंडी चिपचिपी बन जाती है। भिंडी को हमेशा ओपन फ्राई पैन में या फिर तवे पे पकाना है। आप भी मेरी तरह भिंडी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। फॉलो मी फॉर मोर रेसिपीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।